नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्राइक में। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से घोषित उम्मीदवार प्रवीण अग्रवाल जी। प्रवीण अग्रवाल जी के बारे में छोटा सा परिचय दे दूं कि उन्होंने 2006 से 2012 तक नगर पालिका का नेतृत्व किया, फिर 2012 से 17 तक इन्होंने इन पे भारतीय जनता पार्टी ने आस्था जताई और उनको फिर से पुनः उम्मीदवार बनाया। उन्होंने 2012 से 17 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट डालने का काम किया। और अब की बार भी बड़ी जद्दोजहद के बाद बड़े विकल्प नजर आ रहे थे, कई विकल्प थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी आस्था इनके प्रति ही दिखाई। चूंकि जनता में जिस तरीके से प्रवीण अग्रवाल का को जाना जाता है, प्रवीण अग्रवाल बड़ी साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। आइए हमारे साथ मौजूद इन्हीं से जानते हैं क्या विजन होगा, क्या तैयारियाँ होंगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार जो सीट डालेंगे उसके लिए क्या तैयारी उन्होंने करेंगे। प्रवीण अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं अपने सम्मानित नगरवासी, सभी मीडिया के बंधु सबका आभार व्यक्त करूँगा कि उन लोगों ने जो स्नेह और प्रेम मुझको दिखाया कि और एक बार मुझको नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में पुनः देखने की जो इच्छा व्यक्त की थी उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार करके मुझको एक बार पुनः नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का अवसर दिया। मैं अपने सम्मानित नगरवासी को, वासियों को और शीर्ष नेतृत्व को, भाजपा के सबको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक बात है जनता की, तो निश्चित रूप से आप अभी स्वयं भी कह रहे थे, हमारा 10 साल का कार्यकाल पिछला जो रहा है 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी से, एक बार बसपा की सरकार थी और दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसमें रहकर मैंने बिना भेदभाव के जनता की सेवा किया है, उसके कामों को किया है बिना जात पात के, और सबका साथ सबका विकास के नारे पर और सबको साथ लेकर लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करके जनता की सेवा की। और नगर में बहुत सारे ऐसे काम थे जो लोगों ने बताए, उसको करने का प्रयास किया था और उसी की वजह से आज भी जनता हमको लाइक करती थी और मेरे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त करती थी। अधिकतर ये बताया गया है कि नगर पालिका की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, वैश्य वर्ग के खाते में, वैश्य वर्ग से चुकी आप आते पिछला चेयरमैन जो थे वो भी भारतीय जनता पार्टी से थे। ऐसा क्या रह गया जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में दोनों में आपकी सरकारें, तो किस तरीके से अब आप क्या विजन और लेकर के उतरेंगे इससे अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, जो भी आता है वह काम करता है, और अगर इसको कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति 5 साल में हो चाहे 50 साल लगातार उसका समर्थन मिलेगा, पुनः उस सीट पर आने के बाद सबकी अपेक्षाएं पूरी की जाएंगी, प्लस लोगों से सुझाव भी लिया जाएगा कि और क्या बेहतर किया जा सकता है, उस आधार पर हम आगे काम करने के लिए। आपकी छवि बेदाग रही है, ऐसे में 2-3 प्रत्याशी और सामने हैं, वरुण मिश्रा हैं कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से सैयद रहमान मानू हैं, बहुजन समाज पार्टी से श्वेतांग सिंह है, इन सब में लड़ाई आप किससे मांग रहे हैं, किसी की लड़ाई किससे होने वाली है? हम तो किसी से लड़ाई नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि हमको पता चला कि जिसको बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था और फिर बहुजन समाज पार्टी अभी परसों दूसरे को कह रही थी कि आप लड़ जाइए। कल का घटनाक्रम हमने देखा समाजवादी पार्टी का, जो हमको जानकारी में गलत है कि सही मैं नहीं जानता, कि सवेरे एक प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं उसने इनकार कर दिया, रात में एक प्रत्याशी की चर्चा आ गई जिसको टिकट मिल गया उसने इनकार किया या क्या किया, रात में 1:30 बजे पता लग रहा है कि तीसरे आदमी को टिकट मिल गया। इसका मतलब ये माना जा सके सीधा सीधा फायदा भी आपको मिलेगा? तो इसमें मैं अपनी लड़ाई किससे मानूं, मुझको तो लड़ाई दिखी नहीं। ये थे प्रवीण अग्रवाल जी, जो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है, इनको लग रहा है कि इनके साथ सामने कोई लड़ाई भी नहीं है। हालांकि इनकी छवि को जिस तरह से रही उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, इस बात से भविष्य के चेयरमैन के रूप में इनको जनता भी देख रही है। फरीदाबाद न्यूज़ टेक सुल्तानपुर।